होती है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। यदि किसी कारणवश आपको उतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो भी इसमें निराश नहीं होना है, इसमें धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि जिंदगी की सफलता के आगे कई सोपान हैं, कई चरण हैं। यदि आप कठिन परिश्रम और मेहनत के साथ यदि आप तैयारी करते हैं तो भविष्य में भी आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में या अन्य जिस किसी भी करियर को आप चुनेंगे उसमें निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। और आपके उन्नत भविष्य के लिए बिहार बोर्ड कामना करता है और हम सभी लोगों की यह कोशिश रहेगी कि आप लोग बेहतर से बेहतर अंकों के साथ आप उन्नत भविष्य की ओर अग्रसर हो। सर, काफी संख्या में स्टूडेंट का यह है कि अगर उन्होंने कुछ गलतियां कर दी है ओएमआर भरने में या उनका रिजल्ट अगर पेंडिंग हो जाता है तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन होगा? देखिए, यदि किसी विद्यार्थी ने ओएमआर भरने में गलती की है या उन्होंने गलत गोले को भरा है तो पूरी कोशिश की जा रही है कि अन्य डॉक्यूमेंट से मिलान करके यदि उस विद्यार्थी ने जो त्रुटि की है उसका सुधार हो सके तो उसके उसमें समय भी लग रहा है। लेकिन यदि किसी विद्यार्थी ने जिस किसी पर त्रुटि की है उसको अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों से मिलान कर सुधार करने की कार्रवाई की जा रही है, उसके लिए बोर्ड से काफी बड़ी संख्या में 100 से भी अधिक कर्मी लगाए गए हैं जो बच्चों द्वारा की गई ऐसी गलतियों को देख रहे हैं, उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह कोशिश की जा रही है कि उन सारे सुधार उनमें से अधिकांश त्रुटियों का सुधार अन्य वैकल्पिक माध्यमों से कर ली जाए ताकि ऐसे बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग ना हो पाए। पेंडिंग कम से कम हो इसके लिए सारी तैयारियां सारी व्यवस्था की जाए। स्क्रूटनी के लिए तो मौका मिलेगा सर? बिल्कुल, इसके बाद भी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो स्क्रूटनी के लिए बिहार बोर्ड द्वारा समय निर्धारित किया जाएगा और स्क्रूटनी फीस पेमेंट करने के पश्चात स्क्रूटनी कार्रवाई की जाएगी। सभी विषयों में 50% अंक ओएमआर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रखे गए थे तो उन सभी ओएमआर की स्कैनिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ जो अलग अलग फ्लाइंग स्लिप्स और कई यदि विद्यार्थी हैं आप और एग्जाम दे दिए हैं तो बिल्कुल रिजल्ट का प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि रिजल्ट हो सकता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही आ जाए रिजल्ट, क्योंकि सारी तैयारी लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी टीचर्स को कॉपी भेज दिया गया है। ये मैं नहीं, डायरेक्ट बोर्ड सचिव कहेंगे कि जो पहले भी वीडियो में देख लिया एंड अभी भी देख लीजिए, बोर्ड सचिव ने ये बात डायरेक्ट कही है कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है और बेहतर रिजल्ट आ रहा है। किसी भी प्रकार के अगर विद्यार्थी ने ओएमआर शीट में भी अगर कोई त्रुटियां किया है या फिर सब्जेक्टिव पेपर में भी कोई त्रुटि किया है तो उस पर सभी बोर्ड पे और सभी जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उस पर काम कर रहे हैं। और एक बात और, उन्होंने विशेष तौर पे तो ये चर्चा लगभग नहीं की है लेकिन हम सभी विद्यार्थियों के सांत्वना देना चाहते हैं कि चिटफंड आपके पास फेक कॉल जाएंगे कि आपका नंबर में इतना नंबर ये क्रॉस लग गया, उस पे क्रॉस लग गया, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जस्ट आपसे पैसा ऐठना चाहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं है। हर साल विद्यार्थी लगभग मेरे पास वीडियो बना के भेजते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं। आपको भी हम बोल रहे हैं कि यदि आपके पास भी अगर इस प्रकार के कॉल आ जाए कि मेरे पास इसे कॉल आ रहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजिए, हम उस पर वीडियो क्रिएट करके डालेंगे, सबको अवेयर करेंगे कि ऐसा उसके पापा भी नहीं आपके रिजल्ट रोक सकते हैं, ऐसे वो धोखाधड़ी करता है, डाटा एंट्री वाले ये सब लोग करते हैं जिसके पास डेटा जाता है ना आपका कॉपी वोपी जांच करने के लिए, तो उसमें आपके डेटा रहते हैं, आपके मोबाइल नंबर रहते हैं, आपके रोल नंबर, रोल कोड, एवरीथिंग सब कुछ रहता है, इसलिए वो बोलता है तो सभी विद्यार्थी इसमें फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। बट डरने की कोई बात नहीं है, आपका रिजल्ट सुरक्षित है एंड आएंगे भी ऑन टाइम आएंगे क्योंकि कॉपी जांच की प्रोसेस बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर किसी प्रकार का कोई अप टू डेट अगर ऐसा आ जाता है जिसको तत्काल आपको इन्फॉर्म करने की जरूरत पड़े तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तत्काल अवेयर करूंगा और उसे सूचित करने का प्रयास करूंगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि चैनल पे जुड़े रहिए, बने रहिए और मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। मतलब किसी भी प्रकार के अगर आपके पास चीट फेक कॉल आ रहे हैं देन हमें हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देखिए आपके सामने चलता हुआ नंबर हमारा स्वैप करेगा, व्हाट्सएप नंबर है ये हमारा, हमें व्हाट्सएप कीजिए, कॉल रिकॉर्डिंग करके व्हाट्सएप कर दीजिए और उसको पूरा बढ़िया से आवाज में फंसाने का प्रयास कीजिए, हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, हम उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार।